अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है एपिस्टेसिस की इन एनिमल्स। एपिस्टेसिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इस कंडीशन में किसी एक लोकस पर मौजूद किसी जीन के एलील्स किसी दूसरे लोकस पर मौजूद किसी दूसरे जीन के एलील्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर जो कि एक हाईली पॉपुलर टाइप का डॉग है, इस डॉग में थ्री बेसिक टाइप के कोट कलर्स पाए जा सकते हैं। इनमें से एक है ब्लैक, दूसरा है चॉकलेट या ब्राउन कलर और तीसरा है येलो। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इज़ ऑटोसोमल, मतलब कि जो कोट कलर को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं लोकेटेड होते हैं। इसलिए इस कोट कलर का डॉग के सेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मेल और फीमेल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। द इंफॉर्मेशन यानी कि जीन्स फॉर ब्लैक एंड ब्राउन इज़ लोकेटेड एट अ डिफरेंट लोकेशन इन द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन या जीन्स फॉर येलो। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जो ब्लैक एंड ब्राउन कलर को कंट्रोल करने वाले एलील्स हैं वो किसी क्रोमोसोम्स में एक ही जगह पर लोकेटेड होते हैं और उसको हम कह देते हैं लोकस वन, जबकि येलो को कंट्रोल करने वाले एलील्स में भी कि वो इसी क्रोमोसोम में लोकस टू पर मौजूद हों किसी दूसरी जगह पर मौजूद होंगे, इनका लोकस हमेशा ये ब्लैक और ब्राउन वाले एलील से डिफरेंट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसी क्रोमोसोम पर इनका लोकस टू हो, या ऐसे भी हो सकता है कि किसी दूसरे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ये लोकस टू मौजूद हो येलो के लिए। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो ब्लैक कोट कलर है इसको कंट्रोल करने वाले जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं और उनको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अगर दो कैपिटल बी आ गए तो तब भी कोट कलर ब्लैक होगा, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक कैपिटल बी आ जाए तो तब भी कोट कलर ब्लैक होगा। इसी तरीके से ब्राउन के लिए हम कहते हैं कि दो स्मॉल बी आ जाते हैं तो तब कोट कलर ब्राउन हो जाता है, बट येलो के लिए क्या होगा, येलो के लिए दो स्मॉल ई आ जाएंगे, ये दो स्मॉल ई ये येलो कोट कलर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर ये दो स्मॉल ई आ जाते हैं तो इस कंडीशन में ये वाले एलील्स एपिस्टेटिक जीन्स बन जाते हैं, ये इन दोनों को मास्क कर देते हैं, कम्प्लीटली इन एक्टिवेट द ब्लैक एंड ब्राउन जीन्स, चाहे फिर वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो इस ये दो डोमिनेंट फॉर्म में हो या एक डोमिनेंट फॉर्म में हो या दो रिसेसिव फॉर्म में हो, तो फिर ये अपने कोट कलर को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, फिर ये वाला डोमिनेट हो जाएगा, ये अपनी एक्सप्रेशन करेगा, वो वाले सारे मास्क हो जाएंगे। तो ये हमने समझा कि जस्ट येलो अपने रिसेसिव फॉर्म में एपिस्टेटिक जीन होता है, अगर ये अपने डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, मतलब इस तरीके से दो कैपिटल ई होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो उस केस में ये एपिस्टेटिक जीन नहीं है, उस केस में ये वाली अपनी एक्सप्रेशन करेगा, ये वाली अपनी एक्सप्रेशन करेगा, लेकिन अगर ये रिसेसिव कंडीशन में आ गए तब ये एपिस्टेटिक जीन है। अब नेक्स्ट हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के हवाले से डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। फिनोटाइप यानी कोट कलर, तो इसमें हम लोकस वन पर मौजूद एलील्स को भी डिस्कस करेंगे और लोकस टू पर मौजूद एलील्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर लोकस वन पर दो कैपिटल बी आ जाए और लोकस टू पर होमोजाइगस कंडीशन में या तो दो कैपिटल ई आ जाए या हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक कैपिटल ई आ जाए, तो कोट कलर होगा ब्लैक। ब्लैक इसलिए है क्योंकि स्मॉल ई और स्मॉल ई नहीं है, इसलिए ये अपनी एक्सप्रेशन कर लेगा और ब्लैक कोट कलर ले आएगा। इसी तरीके से अगर लोकस वन पर एक कैपिटल बी हो और एक स्मॉल बी हो और लोकस टू पर या तो दो कैपिटल ई हो या एक कैपिटल ई हो, तो इट मीन कि ये जो कैपिटल बी है ये डोमिनेंट है, ये ब्लैक कोट कलर के लिए होता है, इसलिए ब्लैक कोट कलर अपेयर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लोकस वन पर डोमिनेंट बी मौजूद ना हो बल्कि दो रिसेसिव बी आ जाए, तो इट मीन कि ये ब्राउन के लिए होगा, इन केस अगर लोकस टू पर दो स्मॉल ई ना हो तो। अगर लोकस टू पर या दो डोमिनेंट ई हो या एक डोमिनेंट ई हो तो इस कंडीशन में कोट कलर होगा ब्राउन, बट अगर हमारे पास लोकस टू पर दो स्मॉल ई आ जाए, तो अगर हमारे पास लोकस वन पर दो कैपिटल बी हो
या ए कैपिटल बी हो, तो तब वो ब्लैक की एक्सप्रेशन नहीं करेगा, फिर वो ब्लैक फिनोटाइप यानी कि कोट कलर को नहीं अपेयर करेगा। इसी तरीके से अगर लोकस वन पर दो स्मॉल रिसेसिव बी मौजूद हो और लोकस टू पर दो रिसेसिव ई मौजूद हो, तो ये रिसेसिव ई येलो के लिए होते हैं, ये अपने रिसेसिव फॉर्म में एपिस्टेटिक बन जाते हैं और ये वाले हाइपोस्टेटिक बन जाते हैं, तो इनका करेक्टर पर मास्क हो जाएगा और इन सारी कंडीशन में जो कोट कलर होगा तो वो येलो अपेयर होगा। ठीक है, तो इट मीन कि आपको समझ आ गई होगी कि जो लोकस टू पर मौजूद ई वाले एलील्स है तो उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अगर वो दोनों रिसेसिव फॉर्म में आ जाए तो फिर वो ब्लैक और ब्राउन वाले एलील्स के करेक्टर्स को मास्क कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम एक जेनेटिक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। व्हेन टू चॉकलेट कलर्ड लैब्राडोर वर क्रॉस्ड, अ येलो पपी वॉज बॉर्न, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कोट कलर्ड पपी इफ द पेरेंट्स आर अगेन क्रॉस्ड। तो इस तरह के जेनेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हम पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप लिखते हैं। फिनोटाइप हमें ऑलरेडी गिवन है, उसी फिनोटाइप के बेस पर हम जीनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप पेरेंट्स का है चॉकलेट कलर्ड, चॉकलेट कलर्ड है, इट मीन कि इसके पास दो स्मॉल बी मौजूद हैं। और जो ये लोकस वन की बात हो गई, अब लोकस टू पर हम बात करते हैं। एक तो हमारे पास कैपिटल ई है, लेकिन दूसरा कौन सा है? दूसरा जो इसका एलील है इस लोकस टू वाले का, तो वो कैपिटल ई है या वो स्मॉल ई है? तो वो स्मॉल ई है, इसलिए क्योंकि इनके यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग आया है या जो फर्स्ट क्रॉस के रिजल्ट में आया है तो वो येलो पप्पी है, और येलो पप्पी के पास लाजमी दो रिसेसिव ई होने चाहिए। तो इट मीन कि ये बात कंफर्म है कि इनके ऑफस्प्रिंग का जो जो जीनोटाइप है वो दो रिसेसिव ई के साथ है। तो इट मीन कि इसने एक ई एक पेरेंट से लिया है और दूसरा ई दूसरे पेरेंट से लिया है, तो दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप भी सेम यही होगा, ये फादर का हो जाएगा और ये मदर का हो जाएगा। इसी तरीके से जो जीनोटाइप है पप्पी का, तो इसका तो दो स्मॉल ई तो हमें पता चल गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लोकस वन पर क्या होगा? लोकस वन पर अगर हम इनके पेरेंट्स को देखें तो इसके पास तो कोई डोमिनेंट है ही नहीं, इसके पास यहाँ पर भी दोनों रिसेसिव हैं, यहाँ पर भी दोनों रिसेसिव है, तो इट मीन कि यहाँ पर ब्राउन के लिए है या चॉकलेट कलर के लिए रिसेसिव फॉर्म में ये स्मॉल बी और स्मॉल बी मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप हमने लिख दिया है। अब हम इनका क्रॉस करते हैं, पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करते हैं, तो ये मेल के यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, और फीमेल का हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये दो टाइप के गैमेट्स की फॉर्मेशन कर सकता है, गैमेट्स फॉर्मेशन करेगा, तो उसमें एक गैमेट्स में यहाँ से बी आ जाएगा और यहाँ से ई आ जाएगा, इसी तरीके से दूसरा गैमेट्स यहाँ से ये बी आ जाएगा, यहाँ से ये ई आ जाएगा, ये दूसरे टाइप का गैमेट बन जाएगा। इसी तरीके से इस मदर ने भी इसी तरीके से गैमेट्स बनाने होंगे। हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि इसके दूसरे क्रॉस में येलो पप्पी के आने के चांसेस कितने हैं। अब हम इसके लिए चेकर बोर्ड बना देते हैं, तो एक के यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरे के यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई, ये वाले यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये कंडीशन इस तरीके से आ गई, ये इस तरीके से क्रॉस करेगा, तो ये इस तरीके से क्रॉस करेगा और ये इस तरीके से क्रॉस करेगा, तो ये स्मॉल ई और स्मॉल ई। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारे पास चॉकलेट कलर होगा, ये हमारे पास चॉकलेट कलर होगा क्योंकि दो स्मॉल ई नहीं है, ये भी चॉकलेट कलर का होगा, जबकि ये वाला ये हमारे पास येलो कलर वाला पपी आ जाएगा। तो इसकी परसेंटेज कितनी बनती है? ये 3:1 बनती है, तो इट मीन के 75% इसमें चॉकलेट कलर पपी आ जाएंगे और जो 25%
जो इसमें पप्पी आएंगे, पप्पीज आएंगे, तो वो इसमें इसी येलो कलर वाले कोट कलर के साथ आ जाएंगे। तो इस तरह के डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपके पेपर में दिए हुए होते हैं। आपने अच्छे तरीके से फिनोटाइप्स को देखकर जीनोटाइप को डिज़ाइन कर लेना है, और फिर इनका आप इसमें क्रॉस कर कर आपने गेमीट्स की फॉर्मेशन कर कर चेकर बोर्ड बना देना है।